यार लाइफ में कुछ होना हो बट सुकून जरूर होना चाहिए। और आज है मेरा बर्थडे तो मेरे दो भाई लोग आ चुके थे रात को 12 बजे पहले मेरे को सरप्राइज देने, और मुझे नहीं पता था कि ये दिन इतना स्पेशल होने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये बर्थडे को कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं जस्ट बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल हूँ आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस और विशेस के लिए। मुझे दाल में कुछ काला लग ही रहा था तब तक मेरे बाकी दोस्त लोग भी आ गए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके और प्यारा सा इतना केक लेके, जिसको मैंने बहुत एंजॉय कर। पर ये सबके साथ एक चीज़ तो बैकग्राउंड में हो ही रही थी, वो था बहुत सारे नीडी लोगों के लिए खाना बन रहा था जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह डोनेट होने वाला था। बहुत सारी बातें और केक कटिंग के साथ 3 बजे सो के हम सुबह निकल गए महादेव जी के दर्शन करने। फिर आते आते जहाँ जहाँ इन्वाइटेड था वहाँ केक कट करके हम और एक स्पेशल जगह चले गए छोटा सा और एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने। तो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का NGO है एफिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारे आप एनिमल्स देख पाओगे। मैं पिछले बहुत सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ के एनिमल्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं, जिनके ऊपर अटैक हुए थे, जिनके ऊपर बहुत कुछ हुआ था, वो यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं फिर से हेल्दी हो रहे हैं। और यार कभी कभी कुछ अच्छा काम करके देखो आप सबको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और फिर वाड़ा सोडा पी के हम निकल गए और थोड़े लोगों की हेल्प करने। इसके साथ साथ फिर हमने रात को हमारी फैमिली पार्टी रखी थी, और दोस्त लोग की थोड़ा सा लेट है क्योंकि यार बहुत सारे लोग एब्सेंट है। यार पता नहीं क्यों बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जो भी हूँ आप सब लोगों की वजह से हूँ, एंड अभी तक जो भी हासिल कर पाया हूँ, जो भी ये जर्नी रही है पिछले 3-4 सालों में, जो फाइनेंशियली फ्री हो पाया हूँ, खुद के सपने जी पा रहा हूँ, वो सब आप लोगों की वजह से है। सुपर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीवन।